नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर अनुसूचित जाति विभाग का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री आवास की तरफ कांग्रेस लगातार मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करते हुए ये जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। हल्ला बोल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। दरअसल अनुसूचित जाति विभाग का ये हल्ला बोल है, जहां पर हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर के और आगे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनिल नागर हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। अनिल, ओवर टू यू, तस्वीरों को दिखाइएगा। देखिए, कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने निकली थी, लेकिन राजभवन के यहाँ वाटर कैनन का उपयोग कर इन्हें खदेड़ दिया गया। देखिए, रोक दिया गया आपको, मुख्यमंत्री निवास का घेराव नहीं करने दिया गया। मुख्यमंत्री जी और उनकी पुलिस दलित आदिवासियों की जो आवाज है उसको दबाना चाहती है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। पुलिस डरी हुई है, मौर्य यादव जी डरे हुए हैं। क्या क्या मांगे थी आज आपकी? आज हमारी मांग थी कि जातिगत जनगणना हो, उसमें आर्थिक जनगणना भी हो, राज्यसभा का आरक्षण हो, हमारे आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा है उस साजिश को खत्म किया जाए, और जो हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो जमीन के पट्टे आवंटित हुए थे उन जमीनों पर भाजपा के नेताओं का कब्जा है और कई जमीनों के पट्टे शासन ने निरस्त कर दिए हैं। ये सभी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। रोक दिया गया लेकिन आपको? बिल्कुल रोक दिया गया, पुलिस पूरी डरी हुई, आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल मौजूद था। तो देखिए कीर्ति, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, खदेड़ा गया सीएम हाउस तक, इन्हें जाने नहीं दिया। तो देखिए, दलित आदिवासियों के मुद्दों को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने कांग्रेस निकली थी, लेकिन जो है राजभवन के यहाँ पर ही इन्हें रोक दिया गया। रोशनपुरा से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और राजभवन तक ये पहुंचे, उसके बाद इन्हें पुलिस ने रोका। बैरिकेड्स पहले से ही लगा दिए गए थे, उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, तो अब जो है खदेड़ दिया गया। जो भी कार्यकर्ता थे उन्हें खदेड़ा गया। कहाँ से आए आप? मैं नरमदापुरम बनखेड़ी से आया हूँ, बनखेड़ी तहसील से। क्या क्या मांगे थी आज? एक तो संविधान बचाने की मांग थी और गरीब अत्याचार जो हो रहा है हरिजन आदिवासियों पे उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देने आए थे जी। मैं एडवोकेट भगवती प्रसाद सूर्यवंशी एससी कैटेगरी से हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ या मैं सबका साथ देने को तैयार हूँ कि मैं एडवोकेट होने के नाते हमारे संविधान को, जिसको जिस संविधान को पढ़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हमारे देश को बचाएंगे और इसके संविधान में जरा भी किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। खदेड़ दिया गया आप लोगों को? खदेड़ ना देगी, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। बात ये, हम कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कानूनी तौर से हम हमारे हकदार हैं। कहां से आए? मैं इटारसी से आया हूं। जिस तरह से दलित और आदिवासी पे अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरासर अत्याचार कर रहे हैं। और एक बात और है, जिस अगर किसी दलित और आदिवासी पे अत्याचार होता है तो अपनी रिपोर्ट लिखवाने थाने जाता है तो बिना राजनीतिक लोगों को फोन लगाए हुए किसी की FIR लिखाई नहीं जाती। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी में शामिल जितने भी सांसद इस समय SC ST के सारे ही सारे उनके दल्ले हैं, उन्होंने एक भी समय SC ST का आवाज नहीं उठाई। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वो उनके नापाक इरादों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उनकी सत्ता से सरकार को हम लोग गिराने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आपके साथ यहाँ तक नहीं आए, वो निकल गए। जीतू पटवारी जी ने यह कहा है कि दिन रात अगर SC ST समाज से जो भी अत्याचार होंगे मैं कसम खाकर कहता हूँ उनके साथ में खड़ा रहूंगा। उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। कांग्रेस की सरकार SC ST और अन्य समाज के लोगों के साथ खड़ी है। आपके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री निवास तक जाना उचित नहीं समझा, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री निवास तक जाना उन्होंने उचित जरूर नहीं समझा, ये आपको लगता है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ देने के लिए भरपूर बाधा किया है और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे धरना में वो खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। और कांग्रेस सरकार हमेशा 1947 लेकर आज तक SC ST के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। तो देख सकते हैं कीर्ति, अलग अलग जिलों से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे और मुख्यमंत्री निवास का ये घेराव करना चाहते थे, लेकिन इन्हें जो है राजभवन के यहाँ पर रोक दिया गया। बिल्कुल, यहाँ रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनिल। तो देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही वहां से खदेड़ा भी गया है।